everybody, you are welcome to my channel Learn English with Cherry. अगर आप working हैं या आप कोई business करते हैं और आपको लगता है कि आपको English बोलने में problem आ रही है या कुछ लिखने में जो आप English में लिखना चाहते हैं उसमें कुछ problem आती है तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है जिसमें मैं आपको बेसिक इंग्लिश को ट्विस्ट करना बताऊंगी कि कैसे आप बेसिक इंग्लिश को ट्विस्ट करके आप उसको एज अ बिजनेस इंग्लिश और एज एन ऑफिस इंग्लिश बोल सकते हैं. तो कैसे करेंगे, जैसे इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमें किसी को कहना होता है कि अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता चले तो आप मुझे बता देना. तो हम कैसे कहते हैं कि मुझे बता देना, मींस लेट मी नो. सिंपल आप कहते हैं कि लेट मी नो. तो अगर इसी चीज़ को हम फॉर्मली बोलना चाहें, हम ऑफिस में बोलना चाहें, तो लेट मी नो थोड़ा जो है वो इनफॉर्मल सा लगता है. तो कैसे बोलेंगे, तो आप सिंपल लेट मी नो की जगह आप वर्ड रिप्लेस करेंगे दैट विल बी इनफॉर्म. प्लीज़ इनफॉर्म मी, प्लीज़ इनफॉर्म मी. तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके आप ऑफिस इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश बोल सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेली इंग्लिश. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. So let's get started with this. So this is our first sentence जो हमने अभी डिस्कस किया. जैसे कि हम कहते हैं कृपया मुझे बताएं, हमें किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ पूछना है तो हम कहते हैं प्लीज लेट मी नो. तो लेट मी नो भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं तो आप कैसे बोलेंगे. आप कह सकते हैं प्लीज इन्फॉर्म मी फॉर दिस. प्लीज़ इन्फॉर्म मी मीन्स जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो लेट मी नो की जगह आप अगर इन्फॉर्म वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी मच बेटर. नेक्स्ट है, अब जैसे आपको कोई फ्रेंड मिलता है तो हम कहते हैं नाइस टू मीट यू. ये ठीक है, बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपका लगता है आप बॉस है, कोई ऑफिसर है या प्रिंसिपल है, मीन्स कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो आप कैसे कहेंगे इट्स माय प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. कुछ भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, या लिखने में भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं वर्ड प्लेजर. ये छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, आपको लगता होगा कि हमने अक्सर सुन रखे हैं, लेकिन कब कहाँ क्या यूज़ करना है सिर्फ हम वही डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट है, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं संभाल लूँगा. जैसे आपको कोई ड्यूटी मिली, हम कहते हैं ओके ओके मैं ये कर लूँगी. वो पर्सन आ रहा है, हाँ ठीक है मैं उसको संभाल लूँगी. तो हम कहते हैं आई डील विद दैट पर्सन और आई डील विद दिस एंड दैट. तो आप इसको सिंपल थोड़ा सा ट्विस्ट करके कैसे यूज़ करेंगे, आप कहेंगे आई हैंडल दैट पर्सन. जैसे हो सकता है कि उसको पर्सन से लोगों को बात करने में प्रॉब्लम हो, तो हम कहते हैं ओके ओके आई हैंडल दैट, या फिर आई हैंडल दैट मैटर. तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट है, जैसे आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी बता रहे हैं तो कहते हैं, आप कहते हैं आर प्रोडक्ट्स आर चीपर देन अदर्स. बट चीप वर्ड जो है आप उसको रिप्लेस करेंगे अगर इनएक्सपेंसिव के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वो थोड़ा और बेटर लगता है कि आवर प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर्स. नेक्स्ट है, अब जैसे ये सिंपल है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, अरे यार वो अंदर ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ भी वो टाइम टेबल डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्कूल की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो हम कहते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट. तो इसको बेटर वे से अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं दे आर डिस्कसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. सिर्फ टॉकिंग वर्ड को आपको रिप्लेस करना है टॉकिंग अबाउट को विद डिस्कसिंग. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत बेटर लगी, कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो हम इसको और ज़्यादा हमारी इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं.
तो यहाँ पे है जैसे आप किसी को बता रहे हैं आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस एंड दैट कंपनी और दैट पर्सन, कुछ भी जो आप बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं वहाँ से फ़ोन आया। तो कैसे बोलेंगे अगर आप ऑफिस में हैं तो आप कहेंगे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिस एंड दैट कंपनी एंड अ पर्सन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इवन कि जैसे कि आप कुछ रिटर्न में मेल वगैरह भेज रहे हैं देन आप इस यहाँ से इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आई गॉट अ कॉल के बजाय आई रिसीव्ड अ कॉल ऑन दिस मैटर एंड सो ऑन। तो इसी तरह से नेक्स्ट है जैसे कोई कोई चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, कोई पेपर सबमिट हुए हैं या कुछ भी, तो हम कहते हैं कि मुझे सब कुछ अभी जांचना पड़ेगा आई नीड टू चेक एवरीथिंग। तो चेक एवरीथिंग भी ठीक है लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आई नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग। आई नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी आपके पेपर्स एंड जो भी आप कर रहे हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट है जैसे आप कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि कंपनी गिव्स सो मैनी बेनिफिट्स, कंपनी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट्स। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि आपको सहायता की ज़रूरत है, कोई भी हो सकता है रिसेप्शन पे या कोई भी, डू यू नीड आवर हेल्प, तो मे बी फॉर्म फिल करने के लिए, मे बी किसी और चीज़ के लिए, तो हम सिंपल जो नीड है वर्ड को यूज़ करें रिप्लेस करेंगे रिक्वायर। डू यू रिक्वायर आवर असिस्टेंस, डू यू रिक्वायर आवर असिस्टेंस मीन्स आप उसको असिस्ट करोगे उस काम के लिए। तो नेक्स्ट है इसी तरह से मैं इस बात की जांच पड़ताल करूंगा। अब हो सकता है कोई आपके सामने मैटर आया हो तो आपको उस मैटर के बारे में देखना है, तो हम आई लुक इनटू दिस मैटर, आई इंक्वायर इनटू द मैटर, आई इंक्वायर इनटू द मैटर कि मैं देखूंगा इस मैटर को, इसके बारे में पड़ताल करूंगा। तो नेक्स्ट जो है एक सॉरी वर्ड है उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं अपोलोजाइज के साथ। जैसे हम कहते हैं प्लीज़ डोंट से सॉरी, अरे कोई बात नहीं, तो कैसे कहेंगे प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज, प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज। तो इसी से रिलेटेड एक दो सेंटेंसेस और है, आई नॉट से सॉरी, जैसे आपको लगता है कि मेरी तो गलती नहीं, आई नॉट से सॉरी, आई नॉट अपोलोजाइज फॉर दिस, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम किसी को कहते हैं कि नहीं यार तुझे सॉरी, नॉट फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, कि तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा, यू हैव टू से सॉरी, यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर दिस, यू हैव टू अपोलोजाइज बिकॉज यू हैव डन अ ब्लंडर, कि तूने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। सो ये टाइम है आज के क्विज का। आप मुझे बताइए कि जैसे हम कोई भी स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया यूज़, तो यूज़ की जगह आप कौन सा बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यही है आज का आपका क्वेश्चन। अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।